हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक मीठा रेसिपी, जो कि मीठा तो सबको बहुत पसंद होते ही है। तो आज मैं मीठा रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है ब्रेड रसमलाई। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए देखते इसे बनाते कैसे। तो ब्रेड रसमलाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है व्हाइट ब्रेड। यहाँ मैंने व्हाइट ब्रेड ले लिया है, यहाँ मैंने 4 स्लाइसेस लिए। तो चलिए ब्रेड को मैं पहले कट कर लूंगी, राउंड में कट करना है हमें। मैंने एक ग्लास ले लिया है, इससे मैं ब्रेड के साइज को राउंड में कट करना है। इस तरह से लेकर तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसे निकाल लिया है। ये बिल्कुल राउंड शेप में है। अब इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइसेस में भी निकाल लेना है। तो चलिए उसी तरह से इसे भी कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने 4 पीस कट कर लिए इस तरह से राउंड में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब गैस के फ्लेम को ऑन कर रही हूँ और यहाँ मैंने 600 ग्राम मिल्क को चढ़ा दिया है बॉईल करने के लिए। हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से पहले बॉईल करना है। मैं दे दूंगी 2 हरी इलायची, इस तरह से क्रश करना है। अब इसमें डाल देना है। तो 2 हरी इलायची मैंने डाल दिया है यहाँ पर। अब इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से बॉईल करना है। तो ये देखे फ्रेंड्स, मिल्क में काफी अच्छे से बॉईल हो रहे हैं। मिल्क हमारे बॉईल तो अच्छे से हो ही चुके हैं। तो चलिए अब इसमें ऐड कर देंगे शुगर। यहाँ मैंने शुगर ले लिया है 250 ग्राम। और तो फिर चलिए इसे डाल देते हैं यहाँ पर शुगर। यहाँ 600 ग्राम मिल्क में मैंने 250 ग्राम ही लिया है शुगर। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो चलिए गैस के फ्लेम को मीडियम कर देना है अभी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर पाउडर। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, आप जो है वो अच्छे से कलर आ जाए। अगर आपके घर पे फूड कलर अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट अच्छा सा कलर लाने के लिए। तो यहाँ मैंने फूड कलर हल्का सा ऐड कर दिया है। ये आप देख सकते हैं फूड कलर डालने के बाद इसका कलर थोड़ा हल्का सा बहुत ही अच्छा सा चेंज हो ही चुका है। तो अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ आमंड। यहाँ मैंने आमंड को अच्छे से बारीकी से चॉप्ड कर लिया। ये आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने चॉप्ड किया है। तो चलिए इसे मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा काजू, इसे भी मैंने अच्छे से चॉप्ड कर लिया पूरे बारीकी से। चलिए इसे भी यहाँ पे डाल देना है। इसे मैंने डाल दिया। चलिए अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये साइड में बहुत ही अच्छे अच्छे मलाई यहाँ पे आ गए हैं। तो इस तरह से इसे साइड से करते हुए मिला देना है। मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा केसर। केसर के कुछ धागे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आप केसर डालने के बाद भी इसे अच्छे से मिला लेना है। मिल्क राबड़ी जो मैं बना रही हूँ, इसका टेक्सचर अब थिकनेस पे आ ही रहा है, बस इसे और थोड़ा ठीक कर लेना है। इसे और 5 से 6 मिनट तक कुक करना है, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। अब ये राबड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब इसमें मैं ब्रेड को अप्लाई करूंगी। ये राबड़ी के थिकनेस भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे हुई है। तो चलिए गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो ब्रेड को मैंने यहाँ पे सर्व कर दिया है। देख सकते हैं ब्रेड को मैंने इस प्लेट पे लगा दिया अच्छे से। मैंने जो राबड़ी को तैयार किया था रस मलाई, चलिए इसमें ऐड करते हैं।
इसके ऊपर लगा देना है। ये ब्रेड रसमलाई के ऊपर मैं थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ काजू से। तो थोड़ा सा केसर के धागे, ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल परफेक्ट ब्रेड रसमलाई बनकर बिल्कुल तैयार है और ये काफी यम्मी लग रहे देखने। मेरे तो बहुत ही फेवरेट है ये ब्रेड रसमलाई, आप लोगों के भी फेवरेट होंगे, आप लोग अपने अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो प्लीज आप इसे लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर भी करें। तो फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।